वेलकम टू माय चैनल गर्ल्स डिजायर। गाइस आज मैं लेके आई हूं आपके लिए फिगर इंसान की न्यू वीडियो जिसका नाम है इंस्टाग्राम रील द न्यू एज टिकटॉक। जी हां, आज हम इस पे देने वाले रिएक्शन, सो विदाउट टाइम वेस्ट करें पहले देख लेते हैं वीडियो। लेट्स वॉच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि 36 ऐप्स आएंगी और 36 ऐप्स जाएंगी, 36 ऐप्स आएंगी और 36 ऐप्स जाएंगी, लेकिन YouTube बेस्ट है। कोई सेंस नहीं है, कोई राइम नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। 8 अगस्त 2020 मित्रों, आज शाम से टिकटॉक बैन किया जाता है। मोदी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद यूट्यूबर्स और मीमर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ओ भाई मजा आ गया, टिकटॉक बैन हो गया, निकल खाने की जाते हैं, मेरा तो पूरा लवाइज हो गया, अबे निकल। और हम बेवकूफ ये सोच के कि टिकटॉक बैन हो गया खुश होते रहे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इंस्टाग्राम रील्स ही टिकटॉक है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम भूतपूर्व बहुत ही कमाल की उंदा ऐप टिकटॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो टिकटॉक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आई है। रोपोसो, चिंगारी, ट्रिलर, रिजल, जोश, टकाटक, मौज ये नाम है, ये ऐप का नाम है। एंड हम इंस्टाग्राम रील्स को कैसे भूल सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं क्या ये सारी ऐप्स जो है ये टिकटॉक से बेटर है, क्या ये टिकटॉक ही है, बस भेस बदल के आ गया है। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन में लिखा है व्हेन समबडी फोटो बॉम्ब्स यू, नहीं मतलब अब बंदे को देखना चाहिए कि ओ सॉरी, ये जो जगह है इकलौता रास्ता है जो जाने का, आशिका जी यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही है, तो नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, वरना आशिका जी ऐसे एक्सप्रेशन देगी, ये पप्पी यहाँ पे क्यों है, ये माइक उल्टा क्यों है, मैं चेयर पे ऐसे क्यों बैठा हूँ। सॉरी मैं कुछ नहीं बोल रहा, आशिका अमेजिंग वीडियो, आशिका मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, अनफॉलो करती है, अमेजिंग वीडियो, मजा आ गया ये वीडियो देख के, क्या एक्सप्रेशन दिए हैं। प्लीज डोंट अनफॉलो मी, ओके। By the way guys, it was just a joke, keyboard पहले ही टूटा हुआ था वो तो बस। पिछली जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था, तो फिर मैंने इसका हाउ टू बेसिक कर दिया था। आ, बहुत कॉफी पीता है भाई, तू तो ऐसे चिल्लाया, मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या करंट वरंट लग गया, क्या हो गया भाई, अपनी तो जान निकल गई, ऐसे ड्रामे करने हो ना भाई, पहले बता दिया कर, यहां पापा, करने लगा हूं। पापा वीडियो बना रहा था तो बस एक स्किट शूट कर रहा था वो, मैंने मेरे को पता नहीं था आप भारी हो। तेरी स्किट तो यहाँ देख, साहब खाना मत फेंको साहब, इस गरीब के पेट में चल जाएगा साहब, खाना मत फेंको साहब, लाओ साहब मुझे दे दो, मैं खा लूंगा साहब, मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा साहब। इतना दुख, इतना दर्द, इस गरीब के पेट में चल जाएगा, ये गरीब है गाइस, गरीब घराने से है, अनु मलिक जी गरीब है। भाई ये बंदा है रुदाली, रुदाली तुम्हें पता है क्या होते हैं? मैं रुदाली हूँ, जब कोई दुनिया से चला जाता था तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता था। ये भाई है प्रोफेशनल रोने वाले, पहले ये टिकटॉक पे रोते थे, अब ये इंस्टाग्राम रील्स पे रोते हैं। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब, ऐसा आप कुछ खाने को दो ना साहब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। गाइस
इस बंदे को बहुत ही भयंकर लेवल की गरीबी हुई है। नहीं, मैंने बहुत गरीब देखे है, लेकिन ऐसे दौरे पड़े ऐसी गरीबी कभी नहीं देखी यार। भैया आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक ट्वीट कर दो ना भैया, एक ट्वीट भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया। रोबर्ट मेरे भाई, मैं हूँ, मैं करूँगा तेरे साथ ट्वीट, मैं करूँगा तेरे साथ ट्वीट। नमस्ते साहब, क्या करूँ साहब, आप तो जानते हैं साहब, कभी गरीब को खाने मिलता है तो कभी गरीब को नहीं मिलता है, जब मिल जाता है तो भगवान भरोसे उनका शुक्र गुजार है, जब नहीं मिलता खा लेते हैं साहब कुछ भी। मैंने पूछा, सो जाते हैं साहब, क्या करेंगे साहब। मैंने पूछा मजबूरी है, मैंने पूछा, भगवान ने गरीबी पैदा किया, क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैंने पूछा, कायर बोलेंगे ना फिर ऊपर से। ए, तू जा रहे मरिया, तू जा रहे, अरे तू जा रही। गाइस, देखिए टिकटॉक हो या टकाटक, ये कब्ज वाली शक्ल बनाना लोग नहीं बंद करने वाले। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि दिस इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। देखिए टिकटॉक पे लौंडे बनाते थे ये गंदी सी शक्ल, अब टकाटक पे लड़कियां भी बना रही है। हैशटैग जेंडर इक्वालिटी, हैशटैग व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। क्या कहा, आना है, माफ कीजिएगा मोहतरमा, अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तारे जमीन पर, ये एक अलग ही ट्रेंड भाई अभी फैला हुआ है, जिसमें ऐसा बैकग्राउंड में गाना चला देते हैं और उसके ऊपर कुछ भी बोल देते हैं। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोलना है, बस बैकग्राउंड में ये सैड सा गरीबी वाला म्यूजिक चला दो, उसके ऊपर कुछ भी बोलो। इस वक्त घड़ी में 7 बजे हैं, इसके बाद 8 भी बजेंगे, ये हेडफोन्स है पर इनमें कोई आवाज नहीं है, ये फोन की बैटरी अभी 3% पे है, इसके बाद 4 भी होगी। मतलब कुछ भी बोल दो और साथ में ये वाली ट्यून चला दो तो भाई सैड शायरी हो जाएगी। हैं, नाइस, इसी बात पे तालियां। हाईला सल्लू भाई, वो भी टिकटॉक पे, टकाटक पे। मेरे को लग रहा था सिर्फ गाइस हमारी ऐसे की तैसी हुई है लॉकडाउन में, लॉकडाउन ने तो सल्लू भाई की भी लगा दी। लग गए, वैसे बात तो सही है, फिल्में विल्में आ नहीं रही है, घर पे वेले बैठे क्या करेंगे, टिकटॉक ही बनाएंगे, सॉरी टकाटक ही बनाएंगे, तो फिर दिल मत लगाइयो भाई वरना पछताना पड़ेगा। पागल ही है। पागल नहीं हूँ मैं, वेट कर फिर देखते हैं पागल कौन बनता है। ये सब देखने के बाद मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, तो बैकग्राउंड में वही सैड गरीबी वाला म्यूजिक चलाया जाए प्लीज। तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे लेकिन टिकटॉकर को कैसे बैन करोगे, आज टिकटॉक है कल नहीं होगी, टकाटक होगी, मौज होगी, चिंगारी होगी। गाइस जैसा कि आपने ये देखा बिगड़ इंसान की वीडियो जो के इंस्टाग्राम रील्स द न्यू एज टिकटॉक जो के पार्ट में कमा रही थी, मीन्स टिकटॉक तो बैन हो चुका है लेकिन टिकटॉक के जरिए मीन्स इतने सारे ऐप्स निकल गए हैं, मैक्स, टकाटक, रील्स, जिसमें आपको टिकटॉक के हर फीचर्स मिल जाएंगे, हर वो इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो मीन्स टिकटॉक तो कभी बंद होने वाला नहीं, अगर टिकटॉक बंद भी हो गया तो उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो उसको मीन्स प्रमोट करेंगे, वो ही आएंगे। तो मीन्स एक गया तो दूसरा आ जाता है, सो टेंशन की बात नहीं है। सो मुझे तो टिगर इंसान की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, होपर भी आपने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। बैकग्राउंड में म्यूज़िक देते हुए मैं आज आपसे बोलूँगी कि अगर आपको मेरी ये रिएक्शन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो यार प्लीज़ घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि घंटी बजाने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो प्लीज़ हैं, बी पेशेंट, आई लव यू सर, टेक केयर, बाय। I'm not the girl that used to be sometime.